हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद सलमान अंसारी और यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सलमान बर्ड्स एवरी 91। तो दोस्तों आज मैं आपको इंशाल्लाह अपने डव के सारे प्रोग्रेस दिखाने की कोशिश करूंगा और मैंने कितने पेयर लगाए हुए हैं और ये वन बाय वन एक एक केज की तफसील देने की कोशिश करूँगा। और माशाल्लाह डव की प्रोग्रेस सबसे फास्ट है, बहुत फास्ट ब्रीडिंग होती है, 12 से 14 दिन के अंदर अंडे से बच्चे निकल आते हैं और 12 से 14 दिन के अंदर ही छन्नी से जो है ना बच्चा नीचे उतर जाता है और दोबारा से जो ब्रीडर पेयर हैं वो दोबारा से अंडे की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मतलब लगभग एक महीने के अंदर इनका साइकिल कंप्लीट हो जाता है और हर महीने ही अंडे बच्चे आ रहे होते हैं। और क्योंकि ये कबूतर की नस्ल में से है तो दो ही अंडे आते हैं और दो ही बच्चे आते हैं, अमूमन ज़्यादातर दो बच्चे निकलते हैं, वरना बादों का बाई चांस कभी एक अंडा ख़राब हो जाए तो एक बच्चा निकलता है, वरना अमूमन दो ही बच्चे निकलते हैं। तो आप मेरे चैनल को देखें और उसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप जो देख रहे हैं ये सारे मेरे जो ब्रीडर पेयर हैं उनके निकले हुए प्रोग्रेस हैं और उनमें से जो ब्रीड आती है वो मैं इस केज में जमा। केज नंबर वन के अंदर देखते हैं, केज के नंबर वन के अंदर मेरा ख्याल एक ही बच्चा निकला है, एक बच्चा इसका एक्सपायर हो गया था तो एक ही बच्चा है और तकरीबन सेल्फ हो चुका है, अंडे नहीं आए, अंडे आने वाले हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा केज नंबर टू के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर माशाल्लाह दो बच्चे हैं और प्रोग्रेस चल रहा है और इसके अंदर एक पट्टा है और बाकी ये पेयर है, इसके अंदर भी अंडे नहीं आए। अच्छा, इसके अलावा मैंने अभी इसका घोंसला तब्दील किया है और पुराना घोंसला मैंने चेंज करके नया घोंसला डाल दिया है। इसके अलावा सेल्फ हो चुका है, पेयर है और पट्टा है। इसके अलावा केज नंबर फाइव में चलते हैं, केज नंबर फाइव के अंदर भाई ये माशाल्लाह दो पट्टे नीचे उतर चुके हैं और एक अंडा आ गया है। तो दोस्तों ये आठ पेयर की प्रोग्रेस थी, आपको वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। पूछ जाते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।